जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह स्वावलंबित हो रही हैं। सिडबी और उत्कर्ष फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को स्वावलंबित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को बनारस में रोजगार दिया जा रहा है और गाजीपुर बनारस से महिलाएं आई हुई हैं, अपनी कला और कृतियों को दिखा रही हैं। अनेक अनेक तरह की चित्र आकृतियाँ बनाई हुई हैं, जिससे आप देख कर आकर्षित हो सकते हैं। और जो महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हैं, उन्हें आत्मनिर्भर कर रही हैं और स्वरोजगार का भी आंकड़ा बढ़ा रही हैं। वाराणसी के गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में चल रहे दो दिवसीय महिला स्वावलंबन मेले के तहत आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर महिला उद्यमियों के बने उत्पादों को खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि 60 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर गाजीपुर और बनारस की महिलाओं ने लगाया हुआ है और उन स्टॉलों पर तमाम ख़रीदार पहुँच रहे हैं। कुछ लोग जहाँ ऑर्डर कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग यहाँ से वस्तुओं को ख़रीद रहे हैं। इन उद्यमी महिलाओं को काफ़ी खुशी है कि इस तरह के स्टॉल लगाने से उनकी सामानों को लोग जान पहचान रहे हैं और उनके वस्तुओं से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह के मेले अगर और भी लगाए जाएँ तो निश्चित तौर पर उन महिला उद्यमियों के प्रोडक्ट की बिक्री होगी और उनके बनाए उत्पादों को एक अच्छी पहचान मिल पाएगी। देखिए, महिला उद्यमियों को एक मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपने आप को यहाँ पे अपने हस्तकला को, अपने अपनी कारीगरी को वो दिखा सकें, दुनिया के सामने ला सकें। और हमारा देश भारत शुरू से एक गांव प्रमुख देश रहा है, जहाँ पे हमारा ज़्यादातर लोग गांव से जुड़े हुए हैं। तो इन महिलाओं को, जो हमारे एक ऐसे तबके से आती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वित्तीय संसाधन नहीं है, उस तबके से ये लोग निकल के अपनी सारी तकलीफ़ों और अपनी सारे चैलेंजेस को पीछे रखते हुए जो आगे बढ़ के ये लोग आई हैं और अपने कारीगरी को, अपने हस्तकला को वो लोग जो प्रदर्शन कर रही हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इससे ठीक है, एक छोटा ही सा सही, लेकिन एक थोड़ा प्रमोशन मिलेगा और हमारी इकॉनमी जो है वो भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं अगर सशक्त रहेंगी तो फिर देश तो आगे बढ़ेगा ही। तो क्या नहीं लगता कि इन महिलाओं को जो ये इनके अपनी हैंडीक्राफ्ट की कला है, इनको और दिखाने की ज़रूरत है ताकि ये केवल भारत ही नहीं अन्य देशों में भी इसकी पहुंच। हाँ, ये अभी देखिए शुरुआत हुई है, एक पहली बार तो इस तरीके का कोई कार्यक्रम और एक कोई एज अ प्लेटफॉर्म इन महिलाओं को मिला है कि अपनी कारीगरी को प्रदर्शित कर सकें। आगे भी हम लोग इस तरीके की चीज़ों को करेंगे और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम ये प्रमोट कर सकते हैं इनके कारीगरी को, इनके हस्तकला को, और उस पर ज़रूर हम लोग बात करेंगे। बल्कि हमारे हेड CSR जो उमानाथ मिश्रा सर हैं, अभी उनसे बात भी हुई, एक मेरे दिमाग में कुछ आया था ख्याल जो मैंने उनसे शेयर किया है, अब देखते हैं कि उस पर हम लोग आगे और कैसे बढ़ सकते हैं। हम ये साड़ी लेके आए हैं, हम आसान किस्तों में साड़ी बेचते हैं और इस पर ये गोटे भी वगैरह सभी से लगवाते हैं। तो मेरे अंदर कम से कम 20 औरतें हैं, समूह से जुड़े काम, समूह से जुड़े में है, उसी में हम और भी समूह के लोग हैं उनको भी जोड़े हुए हैं। मेरे यहाँ 4-4 समूह चलता है सर, तो उसमें की भी बहुत सारी लेडीज हैं, तो उन्हीं से ये सब गोटा है और ये सब है, तो किस्त में उसको देते हैं,
बहुत कॉस्टली साड़ी है, 2000 का 3000 का ऐसे साड़ी हमारे यहाँ बिकती है। तो अमूमन जो महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं वो कितना कमा लेती होंगी? वो कम से कम 3000 तो मान के चलिए महीने में, और वो मान लीजिए छुट्टी पे भी गई हैं, मान लीजिए अभी वो नहीं है, सीजन नहीं है, तो जब शादी का आता है तो वो एक साथ साड़ी उठा लेती हैं और डोर टू डोर भी बिकवाते हैं सर। उसके बाद डोर, हाँ डोर हम नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ से ले जाती है, फिर जो वापस है उसको वापस कर लेते हैं, यही मेरा काम है। इस तरह के जो मेले यहाँ लग रहे हैं और यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं, तो ऐसे मेले की कितनी ज़रूरत है आप लोगों की चीज़ों की दूर तक पहचान बनाने के लिए? बहुत ज़रूरत है सर, यदि हम औरतों को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए लेडीज को तो बहुत अच्छा भी लगा, बिके ना बिके लेकिन इससे मनोबल बढ़ा, मनोबल बहुत बढ़ा कि मतलब हम तो चलिए मेरा जो हमारी बहू हैं बेटी हैं उन लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। महिला में तो क्षमता बहुत है, बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे कि साड़ी वगैरह का जैसे बताया गया है साड़ी का भी कर सकती हैं। कोई महिला होती है कि हाथ से बहुत चीज़ें बना लेती हैं, कढ़ाई गुनाई होता है वो सब कर लेती हैं, और हैंड टू हैंड जो ये साड़ी का बताया गया है, हैंड टू हैंड हम लोग साड़ी का सेलिंग करते हैं, ऐसी बहुत सी है जिसमें महिला उद्यमी में आगे बढ़ सकती है महिला और बहुत कुछ कर सकती है।